फसले हैं संगीन ये है तीन खवातीन अरे तो तीन ये है तीन खवातीन नजर मुझे एक बात बता ये अचानक तू हमें लाहौर ले आया और ये इस तरह घुमा रहा है आखिर चक्कर क्या है मैं ना तुम लोगों को ना बादशाह मस्जिद और मीनारे पाकिस्तान दिखाने लाया हूँ अल्ले इतनी दूर तुम हमें मीनारे पाकिस्तान दिखाने लेते लाए हो मैं ना तुम लोगों को मीनारे पाकिस्तान हम बादशाह मस्जिद और ये शाही किला दिखाने के लिए लेकर आया हूँ आप लोगों को पता है कि ये सारी प्रॉपर्टी ना मेरे दादा अबू की है और वो जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे हैं उनके मरने के बाद ये सारी जायदाद का इकलौता वारिस सिर्फ नजर होगा कहाँ है तुम्हारे दादा बस इसी शहर में है थोड़ा घूम लें फिर उनसे मिलते हैं चल चल चलो 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 फॉलो मी सासू माँ मेरे दादाजी का घर वाह कितना अच्छा घर है चल ना अंदर चल चल बेटा अल्लाह ये घर कितना साए साए कर रहा है नजर तुम्हारे दादाजी के साथ कोई और भी रहता है कि नहीं सासू माँ एक नौकरानी है उसी से तो फोन पे बात हुई थी नदर तुम नौकरानी से फोन पे बात करते हो शक्की औरत उसने मुझे फोन करके बताया था कि दादा अबू सख्त बीमार हैं लेकिन दादाजी हैं कहाँ किसी बिस्तर पे होंगे या किसी कमरे में तुम ना नौकरानी को फोन करते पूछो दादाजी है कहाँ हाँ मैं नौकरानी को देखता हूँ अरे सवाल ये पैदा होता है नौकरानी खुद कहाँ है नदर अगर नौकरानी अच्छी हो तो मुझे दिखाना ना दादाजी आती थाते दिल नहीं है चलो नदर जल्दी से तलाक चलो उन्हें तुम लोग सब ना ऐसे करो कि पूरे घर में फैल जाओ ऐसे ना टाइम बचेगा दादाजी का टाइम बचाकर हम क्या करेंगे पागल अपना टाइम बचाना है चलो जल्दी जल्दी पता नहीं दादाजी को आसमान खा गया या जमीन निकल गई अरे घर से तो नौकरानी भी गायब है अरे माँ ऐसा तो नहीं है ताम वाली ने दादा तो कत्ल करते दादा में दफना दिया लेकिन वो कौन सो रहा है यही तो है मेरे दादा मेरी जायदाद दादा 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 दादाजी दादाजी नजर आपकी इकलौती जायदाद का मालिक आ गया उठे उठे क्यों तू उठे उठ क्यों नहीं रहे नजर नजर मुझे तो लगता है तेरे दादा ना पतली गली से निकल गए नहीं ये नहीं हो सकता दादाजी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते ले इतना मतलब है दादा थी दादा से नजर तो तुत नहीं मिलने वाला ये ऐसा नहीं हो सकता हम कुछ ना कुछ तो लिख कर ही मरे होंगे मेरी मनकुला और गैर मनकुला जायदाद तीन लोगों में तकसीम होगी एक मेरी दूसरी मेरी फौजिया की तीसरी हीरो की हे नजर इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दादा ने तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया हीरो को इसमें से डिलीट करें आप मैं और फौजू डार्लिंग मुझे क्यों डिलीट करो इसमें कहाँ लिखा है अरे हाँ इसमें ना अंगूठा लगा हुआ है और ना ही साइन है दादाजी मरे हैं हम तो नहीं मरे अंगूठा लगवा लेना वाह ही लो तुम्हारा तो भला दिमाग चल रहा है तू भी ना जरा अपना दिमाग चला ले जा जाके इंग्विंग देख पेन झूठ लेकर आ जल्दी से आप लोग चलो मैं ना दादा अबू को कंपनी देता हूँ नहीं मेरा मतलब है मेरा बच्चा तू भी जल्दी से ढूंढ टाइम नहीं है कम है अभी मोहल्ले वाले आ गए ना ताजियत करने के लिए तो तुम्हारे दादा की लाश को दफनाना पड़ेगा चलो चल चल जल्दी
एक बात बोलूं? ये बातों का टाइम नहीं है हीरो। अरे यही बातों का टाइम है। खाला को कटा दो। क्या मतलब? मतलब ये कि उन्हें रास्ते से हटा दो, हम तीनों बचेंगे। अरे हाँ, ये बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हीरो को काटेगा कौन? अरे नदल और तौन। और अगर वो नहीं माना तो हम नजर तो भी लगते थे हटा देंगे माँ। फौजियों को नहीं कटाना। अबे दिल से नहीं, दिमाग से सोच। फौजियों को कटाने से ना हमें दो फायदे होंगे, एक तो जायदाद में से हिस्सा नहीं देना पड़ेगा और दूसरा ना मुझे दूसरी शादी करने का मौका मिल जाएगा। वाह, क्या शैतानी दिमाग पाया तूने? क्या पाया? ये लगाने वाली मशीन, ये पाया है सासू माँ। अरे हिलो, चलो दादाजी तो अंगूठा लगवाए। चलो जल्दी 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 चलना। अरे निकल निकल। नजर, तुम्हारे दादा का तो हाथ ही नहीं है। अब मुझे लगता है सऊदी अरब में ना चोरी के चक्कर में कट गया होगा। अरे अम्मा, तोता हुआ एक हाथ नहीं है, दूसरा हाथ होगा। देखो देखो, फौजिया दूसरा हाथ भी नहीं है। ये तब्दीली की वजह से कट गया होगा। नजर, तूने बताया नहीं तेरे दादा के दोनों हाथ नहीं है? जब मैं लास्ट टाइम मिला था तो इतने लंबे लंबे हाथ थे, मुझे क्या पता कौन काट के ले गया। अरे दादा का क्या करेंगे, अंगूठा कैसे लेंगे वसीयत पे? माँ आइडिया। हाँ, हाथ पे अंगूठे नहीं है तो ता हुआ, पाँव पे अंगूठे तो है ना। नजर देखा, तूने फौजी का कत्ल नहीं किया, कितना अच्छा आइडिया दिया इसने। फौजिया वैसे हमने भी अच्छा किया कि हीरो का काम तमाम नहीं किया, वरना अंदर की बात कौन बताता। ये आपस की दुश्मनियां ना हम कराची जाके निमटाएंगे, अभी तो उनका अंगूठा लगवाओ। हाँ माँ ठीक तेल है, तलाती दाते ना हम आपस की दुश्मनियां निपटा ले दे। देखो बेटा, बच्चे मेरी बात सुनो, जो तुमने देखा है ना ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ जी, मेरा मतलब है कि जब हम यहाँ पहुँचे ना तो दादाजी वफात पा चुके थे, हमें वसीयत मिली उसमें लिखा था कि जायदाद तीन लोगों में तकसीम होगी। नजर के दादा ने ना वसीयत जरूर लिखी थी। मुझे क्या करें, मौत के फरिश्ते ने ना उनको इतनी मोहलत नहीं दी कि दस्तखत करते। मैं तो ये सोच रही हूँ जी, मालिक ने वसीयत लिखी कैसे? हो सकता है दादा अबू ने मुंह में पेन रख के लिखने की प्रैक्टिस की हो। और हाँ, कुछ लोग तो ना पाँव से भी लिखते थे। हो सकता है नजर के दादा में ये खूबी हो जो तुम्हें पता ना हो। जी हाँ, और वैसे भी वसीयत मिल चुकी है, उनके पैर का अंगूठा लगवाओ और तुम अपना मुंह और जुबान बंद रखो, मैं ना तुम्हें 3-4 लाख रुपया दे दूंगा। ना जी, जुबान तो तब बंद होगी जब जायदाद में मुझे तीसरा हिस्सा मिलेगा। मुझे मंजूर है। सासू माँ, दादा मरा मेरा और मंजूरियां दे आप, ये नहीं हो सकता। सोच लें फिर। सोच लिया। बेवकूफी मत कर, दो हिस्से तो फिर भी हमारे पास है। ये जो कह रही है ना, इसकी बात मान जा, सुन ले इसकी बात। कैसे मान जाऊं, मैं अपने दादाजी की जायदाद का इकलौता वारिस, मैं नहीं दूंगा किसी को भी कोई हिस्सा। ठीक है फिर, मैं अभी मालकिन को बुलाती हूँ। कौन सी मालकिन? दादी अम्मा को मरे हुए तो 25 साल गुजर चुके हैं। और मालिक की नई शादी को सिर्फ 25 दिन हुए। हाय मेरे सरताज, मैं के क्या गई, तुम तो दुनिया ही छोड़ गए। बीबी की दुनिया नहीं छोड़ी, इन जालिमों ने कत्ल कर दिया साहब जी को। झूठ बोल रही है ये औरत। बिल्कुल, भला हम अपने दादा को क्यों मारेंगे। बीबी जी, मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ा है। झूठ बोल रही है, जब ये हमारे सामने आई थी ना इसके हाथ में तो कोई रंग नहीं था। बल्कि रंग में भंग तो तुमने कर दिया है। इसका मतलब तुम लोगों ने
नशे की हालत में मेरे शोहर का कत्ल कर दिया। हमने तो कोई भी नशा नहीं किया हुआ था। बीबी जी, इसका मतलब है इन्होंने पूरे होशो हवास में सोची समझी साजिश के तहत साहब जी को कत्ल कर दिया। जरा सी जायदाद के लिए मेरे शोहर को कम उम्री में ही मार डाला। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम लोगों को। देखे देखे हमारी ना बात समझने की कोशिश करें। ये सच है कि हम ना लालच में आ गए थे। हमने इनका कत्ल नहीं किया, बल्कि ये तो पहले से ही मरे हुए थे। हाँ, हम अपने प्यारे से दादा जान को क्यों मारेंगे। दादी जान, अगर आप मेरी दादी ना होती ना तो मेरी जान होती। झूठ मत बोलो, तुम लोगों ने मारा मेरे साहब को। अरे हमने नहीं मारा, बोला ना तुम लोगों ने ही मारा है। तुमने मारा है, तुमने मारा है। अरे हमने नहीं मारा, नहीं मारा, नहीं मारा, तुम ही ने मारा है। अच्छा बस खामोश, कौन सच्चा है और कौन झूठा इसका फैसला डेविड डिटेक्टिव करेगा। है? ये कौन है? मेरा भाई और इस मुल्क का सबसे खतरनाक जासूस। मेरे ख्यालों में चाहिए देखो कि एक मुखाली थी नाजुक शर्मीली थी मासूम वाली बाली थी रहती है वो दूर कहीं पता पता मालूम नहीं गमलों को बंदे लगे हुए। अम्मी अम्मी तुम कौन हो? तुम कौन हो? मर्दों में 33 मुझे जरा ये बात 36। मैं मेहमान आया हूँ। मेहमान हो के आया हो? मैं मेहमान आया हूँ। तो एक बात बताना, बिल्लियों पर बैठ के डाके डालने वाले तुम कौन हो? मैं myself एजेंट 007 जेम्स बॉन्ड का अकलौता उस्ताद। डेविड, डेविड तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुजरिम और लाश अंदर है। मुजरिम और लाश अंदर है? आला कत्ल तो ये पड़ा है। इसे छोड़ो, असली कातिल तुमने पकड़ कर दिखाना है। बेफिक्र हो जाओ, डोंट फिकर सिस्टर, आज तक मेरे हाथ से कोई मुजरम बचकर जा नहीं सका और इसको भी नहीं जाने दूंगा। मैं जरा ये कोट उतारूं, मुजरम की चौक में कहीं मुझे पेतना ना निकल आए। तुम बेफिक्र रहो सिस्टर, मुजरम ऐसे पकड़ूंगा जैसे पुलिस वाले रिश्वत पकड़ते हैं। तुम भी मेरे साथ हो मुर्गियों के साथ सेल्फी बनाने वाले, हम देखते हैं कि मुजरम जाता कहां है। सिस्टर यू गो। चलो। पंखा तो बंद कर दे बाजी, आप क्या मेरे बहनोई का बारबी क्यों बना रही है? मतलब ये है कि अब मुझे पता चला कि दादाजी बार बार मैट्रिक में फेल क्यों होते थे, उनकी रेटिंग ही इतनी गंदी है। तुम इन्वेस्टिगेशन करो कि ये कत्ल कैसे हुआ। मुझे तो लगता है बाजी कि इन लोगों ने फांसी दी है। अरे वाह, ये बुड्ढा तो पहले से ही मर चुका था। ओए तमीज से, ये मरहूम मेरा शौहर था और मेरा बहनोई था। बहनोई साहब आप फिक्र मत करें, मैं आपके कातिल को फांसी के तख्ते तक टांगे पे छोड़ कर आऊंगा। जीजू, सासू माँ, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि दादा अब्बू ने गैर मुस्लिमों में शादी क्यों की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। तो ये तो देविद है, या कलियल बिला दलिता। यार ये क्या तफ्तीश में टोट बड़ो चसा रखा हुआ है आपने। अच्छी बली कत्ल की बात होती है ये गल हादसे में डाल देती है। वो असल में बात ये है जी, मेरा नाम सही है सलीम तीला। हाँ जी, तो जो मेरे पेशे के लिहाज से बहुत बुरा लगता था मुझे सूट नहीं करता था, इसलिए मैंने अंग्रेजी फिल्म से नाम निकाला डेविड और दूसरी फिल्म से निकाला डी डिटेक्टिव, क्या कहते हैं उसको, डिटेक्टिव नहीं आप तो ना ही बताए मेहरबानी, वो निकाला है, तो इसलिए मेरा नाम हो गया सलीम तीला। तीली साहब? सलीम तीली नहीं जी, सलीम तीला। वैसे आप डेविड कह दे तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। अच्छा भाई डेविड साहब, देखिए आप हमारी ना बात समझने की कोशिश करें। हमने ये कत्ल नहीं किया। ये तो हम बताएं ना, ये कत्ल किसने किया और कैसे किया, क्योंकि सबसे बारी बारी तफ्तीश होगी, फिर पता चलेगा कत्ल किसने किया। और मैं अपनी तफ्तीश का आगाज इस लड़की से करूंगा। मिले थे? हाँ, क्योंकि मैं अपने काम का आगाज खूबसूरती से करता हूँ। नदल दी, मुझे तो लगता है ये लालच ना हमें फांसी के फंदे तक ले जाएगी। मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई है। हाँ तो मैंने शादी करके कौन सा तीर मार लिया है जो तू दुनिया फतह करेगा। वो देंगे, पहले अपनी बीवी को तो बचा ले।
फिर मशवरे देते रहना। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। ये शबनम की तरह रोना बंद करें, वो डेविड डिटेक्टिव है, कोई शफकत चीमा नहीं। अगर वो तफ्तीश में मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या बोलूंगा? तुमने क्या बोलना है? वो ही बोलना जो किया है, है? जो सके हमने कौन सा कत्ल किया है? नजर तू ऐसे कर, जल्दी से ना पुलिस को फोन कर, कहीं वो नाड़ी जासूस ना हमें फंसा ना दे। क्या प्यारा मशवरा दिया आपने, पुलिस को बुलवा लेते हैं, वो ना पैसे वैसे लेके मसला भी हल कर देगी। तो ऐसा कर, 300 रुपए मेरी तरफ से मिला ले और जल्दी बुला ले। ओ तेरी सेहत के हिसाब से ना ये 300 रुपए भी बहुत है, तेरा केस तो सिर्फ 20 रुपए में हल हो जाएगा। कॉमेडी खत्म हो गई आपकी, पुलिस को फोन करें। तो तू कर लेना फोन, है अब बैलेंस भी मैं डलवा के दूं, कभी अपने जेब से ना खुद भी पैसे खर्च कर लिया कर। कमले मनुस वाजी वाह, जब नजर के पास पैसे आ रहे थे तो मेरा छोना, मेरा प्यारा, मेरा क्यूट नजर, और जब पता चला कि दामाद कंगला है तो मनुस हो गया। रहने दे बेंगे, मैं खुद ही फोन करके ना पुलिस को बुलवा लूंगी। हेलो पुलिस, नंबर कौन मिलाएगा? दिमाग खराब कर दिया मेरा। हाँ अब तशरीफ रखें, मैंने इसको साफ कर दिया है। मैं तो थम दिया, तो ढूंढ ले। ढूंढने से भी सब कुछ मिल जाएगा। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जब दादा को कत्ल किया गया उस वक्त टाइम क्या था, टीवी पर कौन सा शो चल रहा था, उसमें कमर्शियल कितनी थी और उसकी रेटिंग कैसी थी और उसके गले में फंदा किसने डाला था? मेले गले में तो तिथि ने फंदा नहीं डाला था। पता नहीं, मतलब फंदा गले में, रस्सी किसने डाली थी? लत्ती, कौन थी लत्ती? लस्सी? वो दादा क्या नाश्ता करते हुए फौत हुआ था? लस्सी नहीं, रस्सी। अच्छा, इसका मतलब है कि कत्ल ना रस्सी के साथ हुआ ना फंदे के साथ हुआ, बल्कि हाथों के साथ गला दबाने से हुआ है। तैती बातें तलने, वो तो पहले थे मले हुए थे। मले हुए थे? वो क्या मालिश करवा रहे थे जो मले हुए थे? मले मतलब पांक, 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 पांक। अच्छा अच्छा, जो पहले साइलेंट हो चुके थे यानी पहले ही मरे हुए थे। मैं आपको वैसे एक बात बताऊं, आपकी मीठी जुबान पर ना मैं तो खुद ही मर मिटा हूँ, इसलिए तो इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले तुम्हें बुलाया है। देखे मैं ना थादी तुदा हूँ। थादी तुदा है? शादी खुदा है? ये ठुड्डा तो सुना था, शादी छुड़ा। अच्छा खुड्डा, खुड्डा है शादी, वो जीवे बने ना 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 ना, शादी शुदा है। आपकी शादी की सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई है, लेकिन अफसोस इस बात का हुआ है कि उस बौने के साथ आपकी जोड़ी अजीब सी लगेगी। अरे नहीं, मेला तो हदबंद लंबा है, वो नदल मेला तो हॉल नदल है, नदल लंबा वाला। तो भाई कोई ट्रांसलेटर है इसका, तो इसकी बातें को मुझे बताने वाला है? अब मैं लाश ढूंढने आया हूँ, खुद ही लाश ना बन जाऊं। नदल, नदल, अच्छा वो नजर, नदल हाँ। नजर आपका खामद है दीदी? इसका मतलब है कि कत्ल नजर पर डालना पड़ेगा। मतलब आपको बाद में बताऊंगा, आपकी जरूरत पड़ी तो तुझे फिर बुलाऊंगा, क्योंकि अब तेरी जरूरत मुझे पड़ती रहेगी। अब तुम जा सकती हो। कहाँ तलाती? तलाती? ये तो नवा इलाका खुला है, तलाती क्या है? तलाती? अच्छा कराची। तुम कहीं भी जाओ मेरी जान छोड़ दो। निकल जाओ। किसने किया कत्ल, कब हुआ है कत्ल और क्यों किया है ये कत्ल? ये तो आप तो पता लगाने ना, और क्या? हाँ हमारी दान बता ले अंकल जी प्लीज। इसका मतलब है कि ये कत्ल तुम लोगों ने किया है? नहीं, ये कत्ल हमने नहीं किया, हमें फंसाया जा रहा है। अरे मुझे तो लगता है ये ताम वाली रहती है। नहीं, मुझे तो दादा की नई दुल्हन पर शक है,
क्योंकि उसी ने ये खेल रचाया है। वाह मैडम, आप बड़ी समझदार हो। नौकरानी तो ये काम कर ही नहीं सकती। यकीन ही बात है कि ये कत्ल उस नई नवेली दुल्हन ने किया है। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि नौकरानी ये काम नहीं कर सकती है? जरायम का दुश्मन, कानून का रखवाला, नाम है मेरा SHO कमाला। ओए, हम तो सारा दिन यही काम करते रहते हैं। लोगों का काम है बातें बनाना, पर खूबसूरती से क्या शर्माना। और मेरी खूबसूरती की शुरुआत होती है लक्स से, जिसमें है 7 ब्यूटी इंग्रेडिएंट्स, जो दे मुलायम जिल्द और महकता एहसास देर तक। खूबसूरती से क्या शर्माना। ओए होए 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 बल्कि ओए होए होए। क्या हुआ? कुछ भी नहीं, वैसे एंजॉय कर रहा था। शर्म करें, यहाँ मेरे दादा बू की लाश पड़ी है और आपको एंजॉयमेंट की पड़ी है। और शर्म तो आपको आनी चाहिए, मुझे लगता है आपका तो शर्म के साथ वैसे भी कोई ताल्लुक ही नहीं है। वैसे आप ना मेरे हाथ में क्या देख रहे थे? कत्ल की लकीर देख रहा था। आप जासूस हैं या नजूमी? जासूसी करने के लिए बंदे को बहुत से पापड़ बेलना पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सुई गैस के चूल्हे ठीक करना पड़ते हैं, प्रेशर कुकरों के रबट बदलना पड़ते हैं, इसके अलावा कोई नल का लीक हो रहा है उसको धागा लपेट के उसकी लीकेज बंद करना पड़ती है, और इसके साथ साथ मैंने तो कातलों को पकड़ने के लिए काला जादू भी सीखा हुआ है। मनमान का कज्जल पांडे टिंडे आगे बदल खोल के देखे अंदर कुकड़ कल्ला। इसी काले जादू के चक्कर में आपने मेरे बोले बाले दादा को फंसाकर अपनी बहन की शादी करवाई है ना? बिल्कुल तुमने ठीक है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी बहन ने कोई काला इलम नहीं किया था, बल्कि आपके दादे ने मेरी बाजी पे काला जादू करके उसको अपने जाल में फंसाया हुआ था। नहीं नहीं, ये तो मेरे मासूम से दादा पर इल्जाम है। इल्जाम तो तुम पर भी है, कत्ल का। क्या सबूत है आपके पास? ये जो बंदा लेटा हुआ, ये नाइट लगा के आया है, ये मरा हुआ है, लाश तुम्हारे सामने पड़ी है और फिर भी कह रहा है, क्या सबूत है तुम्हारे पास? ये मेरे पर इल्जाम है, मेरे दादा की लाश की बेहुर्मती हो रही है, इन्हें दफनाने दिया जाए। नहीं, इसकी इजाजत मैं तुम्हें हरगिज नहीं दे सकता, क्योंकि मेरी बाजी, मेरी बहन, मेरी माँ जाने के ऑर्डर लगाया है कि दादा और पोते की कब्र इकट्ठी बनेगी, ये हमें पैकेज डील मिल रही है। नहीं नहीं, आप ऐसा करें, आप ना मेरे साथ एक डील करें। क्या डील करना चाहते हो? नहीं नहीं, वो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ। मैं भी ऐसा आदमी नहीं हूँ, लेकिन पूछना तो फर्ज है। मैंने वो बात नहीं सुनी, मैं यहाँ पे सिर्फ कातल ढूंढने आया हूँ। बस ठीक है फिर, मैंने ना अपना हिस्सा छोड़ दिया है? सच्ची बात? मुची प्रॉपर्टी में से कुछ मांगोगे तो नहीं? नहीं। खाने के लिए? नहीं। पीने के लिए? नहीं। नहाने के लिए? नहीं। पहनने के लिए? नहीं। कुछ नहीं मांगोगे? चले जाओ फिर, मेरी तरफ से तुम आजाद हो, क्योंकि मेरी यसूस ने ये मुझे बता दिया कि तुम बेगुनाह हो और लिहाजा तुम मेरी अदालत से बरी हो। इजाजत है। यहाँ क्यों ले आए? बीबी जी, मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। वो घर में ना पुलिस आ गई है। ये क्या बोल रही है तू? सच्ची कह रही हूँ, और पुलिस को ना शक नहीं बल्कि यकीन है कि अपने मियाँ का कत्ल आप ही ने किया है। तो मैं तो अपने मायके में थी। बीबी जी, पुलिस को तो नहीं ना पता कि अब मैं के गई हुई थी, आप तो गई। एक्सक्यूज मी, ये आप दोनों क्रिमिनल खवातीन आपस में क्या रियाज और न्याज की बातें कर रही हो? सच्ची जी, मैंने अपने शौहर का कत्ल नहीं किया, वो तो उनके पोते ने। और वो तो वक्त बताएगा कि कातिल कौन है। मैडम जी, आप ऐसा करें ना, मेरे लिए कोई चाय पानी का बंदोबस्त कर दें। वो तो मैं करूंगी ना जी, मैं चाय बना के लाती हूँ। ना ना बोलो, तुझसे तो ना मैंने बड़ी जरूरी बातें करनी है, चाय तो ना ये बना के लाएंगी। बात करनी है जी? ये तो पीछे वो पीछे तो होती रहेंगी। बात ये कि तू ना मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है जी। क्या हो गया साहब जी आपको? कहाँ इतने बड़े अफसर,
और काम एक मामूली सी नौकरानी। अच्छा ये पागल हो गई है क्या? प्यार में ना ऊंच नीच नहीं देखी जाती, बस जिथे दिल आ जाए उथे ही कार बसा ले। अल्लाह बख्शे, मरहूम साहब जी भी ना मुझसे इसी तरह बात करते थे। क्या? मेरा मतलब है बहुत ख्याल रखते थे मेरा। अच्छा, वैसे एक बात तो बता, सच्ची सच्ची मुझे बता के तुझे किस पर शक है कि ये कत्ल किसने किया होगा भला? शक नहीं, यकीन है साहब जी मुझे, मेरे मोबाइल में वीडियो है कत्ल की। वखान, कुड़िये शाबाश है, जवाब नहीं। तू ऐसा कर, ये वीडियो ना मुझे व्हाट्सएप कर दे। अपना नंबर दे ना मुझे। हाँ, 0333। सासू माँ, तुम निकलो यहाँ से जल्दी से। अरे शुक्र कर, हमारी जान बच गई। सासू माँ, आपके सर की कसम, हम बड़ी मुश्किल से ना मैंने डेविड को मनाया है। अब हम पे तत्लता तेज तो नहीं बने दाना? नहीं, लेकिन माना कैसे? मैंने ना अपनी जायदाद का हिस्सा छोड़ दिया है। नदल, ये तुमने तात या? अरे पहली मरतबा तो खोटा सिक्का चलने वाला था। सासू माँ, सिक्का चले ना चले नजर इस दुनिया से चला जाता। वो नजर के बच्चे अपने दादा को कब दफनाएगा? वो तो बड़े बड़े सड़ जाएगी लाश। खाला भी कुछ सही कह रही है, खून का रिश्ता भी कोई चीज होती है। पहले खून के रिश्ते हुआ करते थे, अब तो रिश्तों के खून होते हैं। नदल, इतना दबाती होने दी ना, दुलूलत नहीं है, पुलिस आ गई है। और जब हमने तो दिया ही नहीं है, और ये मामला जब तक हल नहीं होता हम यहाँ से नहीं जाएंगे। अरे वो तो हमें फांसी लगा के ही रहेगी। माँ, जब हमने तो दिया ही नहीं है तो हम तो बात दले। हीरो तुम्हारे साथ है, मरते दम तक तुम्हारे साथ रहेगा। हीरो, तूने नजर की आंखें खोल दी, अब जब तक मैं दादाजी को दफना नहीं लूंगा यहाँ से नहीं जाऊंगा। पड़मैया साहब, आप तो मरने के बाद कीमती से कीमती होते जा रहे हैं, क्योंकि आपके पोते ने प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। भी आखिर आप ही का खून है ना। मुस्कुरा तो रहे हैं आप, चलो इसी मौके पर एक सेल्फी हो जाए। एक मिनट, ये रख लो जरा, वाइट एंगल सेल्फी बन जाएगी। क्यों दादाजी, स्माइल प्लीज। कितने अच्छे हैं दादाजी, जरा साथ हो जाए, मैं भी आंख लगा लूं जरा। डेविड, तुम यहाँ सेल्फी राजा बने बैठे हो, उधर पुलिस आ गई है। पुलिस? बहुत सख्त नाइंसाफी है सिस्टर, आपको पता है ना कि डेविड अपने काम में किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करता। वो पुलिस ऑफिसर भी यही कह रहा था कि किसी की मुदाखलत पसंद नहीं करता। नहीं? वो भी कोई यसूस टाइप चीज है। जो भी है, मुझे बहुत खतरनाक लगता है। कोई बात नहीं सिस्टर, जितना भी खतरनाक हो मुझसे ज्यादा खतरनाक नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने बड़े बड़े केस देखे हैं फिल्मों में। अभी जाओ और उस पुलिस ऑफिसर को यहाँ से निकालो, खामखा मोहल्ले में हमारी इज्जत का फलूदा बन जाएगा। बात तो तूने बिल्कुल ठीक की सिस्टर, जंगल में दो शेर रह सकते हैं लेकिन एक घर में दो यसूस नहीं रह सकते। अभी उधर जाना पड़ेगा दादाजी, आओ मेरे साथ। मिस्टर 303, कौन है भाई तू? आप तमीज से बात करें जी, आप मुझे जानते नहीं है मैं कौन हूँ। ना, कौन है भला तू? आप मुझे नहीं जानते? ना, कर लो गल, हद हो गई, बल्कि हद से भी वध हो गई। ओ फखरे पंजाब, फखरे एशिया, फखरे बैंड वाले, फखरे घोए वाले, मलाई वाले, जड़ा वाले, माना वाले, यानी फखरे पाकिस्तान को आप नहीं पहचानते? ना, ये साढ़े तेरे रिश्तेदार है। नहीं, आपके और मेरे अलावा यहाँ पे तो कोई तीसरा बंदा है? नहीं, कोई नहीं। तो फिर आप समझ जाएं कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है आपसे। ओए, चला है इनका दुश्मन,
कानून खड़ा कोआला ना है मेरा ऐसे चौकमला। ये कहाँ रहते हैं? ये तुम्हारे सामने खलोता है। आप हैं SHO? सोचो इसका मतलब क्या है बोला? क्या है? 100 रुपया है ये। तूने मेरे को दिए? नहीं जी नहीं, मेरा नहीं है। मेरा ख्याल है आप ना मुझसे मजाक कर रहे हैं। हाँ मजाक नहीं कर रहा, अभी तुझसे अपना तारुफ कराया, लगता है तू मेरा तारुफ सही से नहीं समझ सका। मैं बड़ा सख्त किस्म का ऑफिसर हूँ और मैं ना तुझे जो तू कानून में मुदाखलत कर रहा है ना, तुझे पकड़ के मुर्गा बना दूंगा। आप सख्त अफसर है, आपके सीमेंट बजरी खाते हैं या आपकी दोनों टांगों में सरिया पड़ा हुआ है? सख्त अफसर है, मुझे मुर्गा बनाए। अच्छा मुर्गा अगर बनाएंगे ना तो फिर देसी वाला बनाना, मार खाने के बाद मुर्गा खाने का मजा बहुत आता है। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे ना जेल की सलाखों के पीछे डालना पड़ेगा। नहीं जी पीछे को डालेंगे, आगे रहने दे, हवा भी लगती रहेगी। वैसे मेरा कसूर क्या है जी? तुम्हारा कसूर यह है पुत्र कि तुमने ना नजर के दादाजी को कत्ल किया है। नहीं, और उस कत्ल के जुर्म से छुपने के लिए ना ये बड़ूप डाला हुआ है तुमने। नहीं मैंने दादे को कत्ल नहीं किया जी। ये जी सारा, ये तो मुझे तो मेरी बाजी ने यहाँ पे बुलाया है दादे के कातिल को ढूंढने के लिए, तो मैं उसकी यसूसी के लिए यहाँ पे आया हूँ जी। आओ बिल्लो, झूठ बोलने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मुझे जन्नत नुकरानी ने सारी तफसील बता दी है, सारा राज खोल दिया उसने तुम्हारा। ये बिल्लो ने राज खोल दिया? हाँ परसों बिल्लो ने मेरे पीछे कुत्ता खोल दिया था, अब मेरा राज खोल दिया। अच्छा बिल्लो, अल्लाह करे तेरा बेड़ा गर्क हो, जिस बेड़े में तू बैठी हो उसका बेड़ा ऐसे बैठ गए जैसे पट्ठा बैठता है। अब ये सारी कहानी तू खुद बताएगा या फिर तुझे ड्राइंग रूम की सैर कराऊं? ड्राइंग रूम में ना ले जाइएगा जी, आपने वहाँ पे सोफे नहीं रखे होते, जमीन पे बैठना पड़ता है जी। असल में जी ये बिल्लो ने सारे प्लान किया है जी, उसने घेरा डाला है, दादे की कातिल भी बिल्लो ही है जी। मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, बात कुछ यूं शुरू हुई थी कि जिस वेले मैंने उसको देखा, हैंड्स अप। जब हैंड ही नहीं है तो आप कैसे करोगे? हाँ आप तो स्वेटर सा बन के फिर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आप अंदाजे से हैंड अप कर लें। ओ मुंह खोले और खामोश रहे। मुंह खोल गया तो फिर खामोश कैसे रहूंगा मैं? ओ यार उधर को मुंह करके भागना शुरू कर दो, अगर पीछे मुड़कर देखा तो गोली मार दूंगा। भागे, तेजी से भागे। इतना आसान तो काम था। वो गिर गया, इसका मतलब वो मर गया है, तो अब इसकी लाश को क्या करूं? एक काम करती हूँ, इसके इकलौते पोते को फोन करती हूँ। हाँ है, इकलौता पोता और ऑस्ट्रेलिया का तोता, हाँ है, बहुत मुश्किल से मिलते हैं। हेलो साहब जी, आपके दादा की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ। जल्दी पहुंचे। अरे वाह, तू तो मुझसे भी बड़ी जसूस निकली है। आपने मेरे भाई पे गन क्यों तान रखी है? इसलिए कि ये किलर है और इसी ने उस बाबे जी का मर्डर किया है। नहीं ये नहीं हो सकता। अरे वाह वाह वाह, क्यों नहीं हो सकता, इनकी कहानी हमने इन्हीं की जबानी सुनी है। वो तो दादी अम्मा की कहानी थी। नहीं, और ये है इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड। हमारी ना आंखों पे लालच की पट्टी पड़ गई थी नजर भाई, हमें माफ कर दे। भाई तुम्हें तो मैं रानी तोप के सामने खड़ा करूंगा। कोई बात नहीं, वो भी खड़ी रहती हम भी खड़े रहेंगे। चुप नजर, ये तुम्हारा काम नहीं है, अब इनसे कानूनी निपटेगा। चलो एक मिनट जी, एक मिनट, तुम मेरे साथ चलो, जरा थाने में दिल लगा रहेगा। चलो यार। सासू माँ लाहौर बेदगी करवाने के लिए आई थी। वाह क्या दिमागी शैतान पैर। ये मेरा ही बच्चा जा रहा है कि आ रहा है? आ गया।